कमेंट जरूर करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो देखिए ये प्रोग्राम चालू है और कुछ ही टाइम में ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप साउंड सिस्टम अगर नारेगांव में लेना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट साउंड सिस्टम है नूर साउंड सिस्टम, तो आप यहां से ले सकते हैं। किराया भी आपको काफ़ी अच्छे दाम में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये जिसका ये साउंड सिस्टम है वो सर भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप अगर आपको साउंड सिस्टम लेना है नारेगांव के अंदर या औरंगाबाद में कहीं पर भी, तो आप इनका साउंड सिस्टम ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी इनकी सर्विस है और बहुत अच्छी तरीके से ये सर्विस देते हैं, आप देख सकते हैं। और इनके साथ इनकी टीम भी है जो टीम वर्क काम करते हैं, और ये बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं यहाँ पे और कुछ आने में बाकी है। तो इंशाल्लाह जैसा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मैं वो भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कुछ ही टाइम में इकबाल सर का मोटिवेशनल स्पीच शुरू हो जाएगी और ऐसा बोर्ड वगैरह हमने इंतजाम किया है। तो हम दुआ करते हैं कि ये जो हम लोग कर रहे हैं तो ये कामयाब हो और यहाँ पे लोग भरपूर तरीके से शिरकत करें, ताकि जो करने वाले हैं उनको कुछ थोड़ा सा हौसला मिले, हौसला अफजाई हो। इतने लोग आ चुके हैं अभी अभी कुछ ही टाइम में और बहुत सारे लोग आएंगे माशाल्लाह। हुआ ऐसा कि अचानक में इकबाल सर ने कहा कि मज़हर राही आपको एंकरिंग करनी है, यानी जो बच्चे वहाँ पे जिसको बुलाना रहेगा तो आपको बुलाना है, क्योंकि जिसको दिया एंकरिंग दी हुई थी तो वो आने में लेट हो गए शायद। अगर मुझे पहले से एंकरिंग का कहते तो मैं अच्छे तरीके से और परफॉर्म कर पाता, ताकि थोड़ी बहुत तैयारी कर लेता, लेकिन अचानक में सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे अचानक में उन्होंने दिए और मैंने एंकरिंग की, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं भी कुछ बोल सकता हूँ और आवाम के सामने कह सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी वहाँ पे ऐसा डर वगैरह नहीं लगा, क्योंकि मैं स्टेज पर कई मरतबा जा चुका हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इकबाल सर ने भी मेरी बहुत तारीफ़ की, तो ऐसे ही करते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कुछ भी ऑपरेट करना है या इंटरनेट पर ही कुछ देखना है तो पढ़ा लिखा होना चलो। हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ज्यादा देर ना करते हुए इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और किरत के लिए दावत देते हैं सैयद मोहम्मद कैफ के, वो आए और पुराने पाक की तिलावत से इस बज्म का आगाज करें। ये दो तीन मरतबा होगा, लेकिन इस कंफर्ट जोन को आपको तोड़ना है। क्या करना है आपको? ये जोन को आपको तोड़ना है, उसके बाद अजीम भाई, अजीम साहब, आपका जो भी आपके जो भी औलाद है, आपका जो भी बच्चा है, वो आपको आपकी प्रॉब्लम को बताएगा। अगर आपने नहीं, अगर आप ये नहीं करते, अगर आप नहीं करोगे ना, कोई और उसे बताएगा, कोई और उसे सिखाएगा, फिर आपको पता है कि दूसरों के सिखाने के बाद, दूसरों के बताने के बाद उसकी जिंदगी किस तरह से शेप होती है, आपको पता है कि वो किस तरह का इंसान। देख सकते हैं आज प्रोग्राम था यहाँ पे क्रिएट अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन, तो माशाल्लाह ये जो कोशिश की थी इकबाल सर ने तो इनकी मेहनत कामयाब हुई माशाल्लाह।
बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पर, पेरेंट्स, टीचर्स और जो भी है सब आए यहाँ पर, और बहुत ही हौसला अफजाई हुई इकबाल सर की भी और हमारी सबकी माशाल्लाह। देखिए आप देख सकते हैं फोटो सेशन चालू है, हमारा जो क्लासमेट है, हम लोग जो क्लासमेट थे वो सब यहाँ पर है, और थोड़ा सा आखिर में सब जाने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे, ताकि एक याद रहे कि एक क्रिएट अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन हुआ था, उसमें हम लोगों ने ऐसे फ़ोटो वगैरह खींचे थे, वीडियो वगैरह बनाए थे, तो एक याद के लिए मैं ये बना रहा हूँ। जो तो ये लास्ट टाइम है, स्पीच वगैरह हो गई इकबाल सर की, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने स्पीच दिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आए और स्पीच को सुने और कुछ लेकर गए यहाँ से, नॉलेज लेकर गए ताकि अपने बच्चों को आगे पढ़ा सके, एजुकेशन दे सके। माशाल्लाह देखिए आप देख सकते हैं इकबाल सर है और हमारे जो भी क्लासमेट्स हैं उनके यहाँ पे फोटो शूट चालू है आखिरी टाइम पर। बस हो गया कैमरा फुल करना है, ये लाल इधर है के। हम सब फ्रेंड हैं, हमने साथ में ही स्कूल की पढ़ाई की है, और ये थोड़े फ़ोटोशूट वगैरह चालू है, तो इनके नाम मैं बता देता हूँ आपको, अजीम ख़ान, मिर्ज़ा अरबाज़, आसिफ पटेल, अशफाक पटेल, मतीन बागवान, अल्ताफ पठान, ये सब हम दोस्त हैं, और कुछ और दोस्त हैं जो आ नहीं पाए शायद, तो और मैं भी उसमें मज़हर राही, आप देख सकते हैं मैं भी उसमें वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और ये हमारी क्लासमेट इकबाल देशमुख सर जो कि ट्यूशन भी चला रहे, तो हमने सबने मिलकर इनकी काफ़ी हेल्प की, जो भी काम करना था वहाँ पे स्टेज कुर्सियाँ वगैरह, तो इसमें सब हम फ्रेंड का काफ़ी सपोर्ट रहा, हमको साथ रहा, और मैं तो पहले से ही साथ में था हर चीज़ में मैंने उनसे उनके साथ काम किया। हाफिज़ हुज़ैफ़ा इशायती देख सकते हैं आप, वाइट मामे में है, तो ये भी हमारे स्कूल के दोस्त हैं, तो ये भी थे यहाँ पे मौजूद, तो मैंने इनका नाम लिया। एक बात कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं यूनिक किस्म के अच्छे से अच्छे व्लॉग और वीडियो बना सकूँ, ठीक है। आप भी आ रहे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।